फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के एक मामले को साइबर सेल से क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर किया गया है। क्राइम ब्रांच के प्रभारी और मुंबई पुलिस संयुक्त आयुक्त ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार ऋतिक रोशन की FIR पर जांच को साइबर सेल से क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU को ट्रांसफर किया गया है। ऋतिक रोशन को 2013 से 2014 के बीच 100 ईमेल भेजे गए थे। बताया गया है कि ये ईमेल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मेल ID से भेजे गए थे। इसे लेकर ऋतिक रोशन ने 2017 में साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। ईमेल कंगना की ID से आए थे। उस समय कंगना रनौत ने कहा था कि उनकी ईमेल ID हैक हो गई थी और उन्होंने ऋतिक रोशन को कभी कोई ईमेल नहीं किए। इससे पहले 2016 में ऋतिक रोशन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। तब भारतीय दंड संहिता की तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसमें IT एक्ट और चीटिंग संबंधी धारा भी शामिल थी। इस मामले की जांच में कोई प्रोग्रेस न होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठ मनाली के कार्यालय ने हाल ही में 9 दिसंबर को पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया था कि हमारे क्लाइंट ने जांच में सहयोग किया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मुहैया करवाई। पत्र में ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेरे क्लाइंट के लैपटॉप और फोन लौटाने के लिए निर्देश दिए थे, जिसे असली दोषी तक पहुंचाने में जांच के लिए मुहैया करवाया गया था, लेकिन क्लाइंट को लैपटॉप और फोन वैसे नहीं मिले जैसे उनसे लिए गए थे। अधिवक्ता गुंजन मंगला की ओर से सिग्नेचर किए गए पत्र में कहा गया है कि हमारे क्लाइंट ने सभी ईमेल, पासपोर्ट आदि सभी की प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां सौंप दी थी। पत्र में कहा गया है कि ऋतिक रोशन ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें अपने और अपने परिवार को होने वाले आघात के बारे में बताया था। हालांकि आज तक जांच में कोई प्रगति नहीं हुई और मामला अभी भी लंबित है। बहरहाल मामले में इस घटनाक्रम पर कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कंगना ने ट्वीट किया, उसकी कहानी फिर से शुरू हो गई। हमारे ब्रेकअप और डिवोर्स को कितने साल हो चुके हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है, किसी भी महिला को डेट करने से मना करता है। बस जैसे ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ पाने की उम्मीद के लिए साहस जुटाती हूँ तो वो फिर से वही नाटक शुरू कर देता है। ऋतिक रोशन कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए? अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।